हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ लता। फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ आप सब अपने घरों में सेफ हैं और बहुत खुश हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, और आज हम सभी ने डिसाइड किया कि सुबह से ही हम घर से बाहर निकलेंगे और भोपाल के जो फेमस प्लेसेस हैं वो विज़िट करेंगे और घर पे खाना नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं भोपाल की फेमस लेक देखने के लिए। इसको बड़ा तालाब भी कहते हैं और ये अपर लेक के नाम से भी जानी जाती है। वैसे तो भोपाल सिटी में बहुत सारी लेक्स हैं और इसको कहते भी हैं सिटी ऑफ लेक्स, लेकिन ये वाला जो लेक है ये सबसे बड़ा है और ये नेचुरल लेक है। आप साइड वॉल्स पे देख रहे होंगे रोड के, यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं, एंड यही इस शहर की खूबसूरती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी दीवारें हैं, आप पूरा सिटी घूम लेंगे, कहीं भी आपको इन दीवारों पे कुछ भी बेकार का पोस्टर या कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। ना ही कुछ किसी ने थूका होगा, ना पान की थूक होगी, ना कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होगा। और अगर पेंटिंग नहीं हुई हुई तो दीवारें ऐसे साफ होंगी। लोगों को बड़ा प्यार है अपने शहर से, कोई गंद नहीं मचाता, कोई इवन कागज़ का टुकड़ा तक नहीं फेंकते, इवन छोटे बच्चे भी। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने सड़क पर टॉफ़ी खा के रैपर फेंक दिया हो। और एक बार जो इस शहर में आ जाता है, ये शहर और यहाँ के लोग उस इंसान को इतना प्यार से अपनाते हैं, गले लगा लेते हैं। और ये हम पहुँच गए अपर लेक। आज यहाँ पे बोटिंग अभी तो शुरू नहीं हुई है, सारी बोट्स ऐसे स्टैटिक खड़ी हैं। और सर्दी आज बहुत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है। और लेकिन अब ये है कि कल से फिर नया साल शुरू होना है, और ये वाला साल काफ़ी भयानक रहा। बहुत सारे लोगों के घरों में डेथ्स हुई, रिश्तेदारों की डेथ्स हुई, दोस्तों की डेथ्स हुई। तो ऐसा नहीं है कि जो डेस्टिन था वो होना नहीं था, लेकिन फिर भी सोचो तो मन में घबराहट होती है कि इतने सारे लोगों को हमने इस साल में खो दिया। और बस इसी प्रेयरफुल मूड में हम थे कि चले आज घर के बाहर बैठेंगे और जहाँ पे भी वक्त मिलेगा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब ये तबाही जो है, ये बीमारी महामारी ये ख़त्म हो जाए। बस बहुत हो गया, इंसानियत बहुत कष्ट में है। तो यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे रहे, मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा। और बड़ी टेस्टी यहाँ पे चाय मिलती है, कई फ्लेवर्स की चाय यहाँ मिल जाती है। सामने आप देख रहे होंगे मैगी की एक रेडी लगी है, वहाँ बड़ी अच्छी मैगी मिलती है। तो बाहरी खाना यहीं हो जाता है, बड़े सारे स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, चाइनीज़ के स्टॉल्स हैं, कई तरीके के खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, भुजिया नमकीन मिल जाती है, समोसे वगैरह। और बहुत सारे लोग घर से भी खाना बना के ले आते हैं, और इवन यहाँ नींबू सोडा बहुत टेस्टी मिलता है। तो लेकिन सर्दी है तो ज़्यादातर चाय ही पीना होती है। और पूरा दिन हम यहीं बैठे रहे, बहुत ठंडी हवा भी आप देख पा रहे होंगे चल रही है। लेकिन अब घर में रहने से अच्छा है कि बाहर बैठे रहें। और सबसे बड़ी जो बात है फ्रेंड, जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक यूथ है, इसके हाथ में मोबाइल है। बहुत देर से मैं इसको देख रही हूँ, ये लेक पे आ तो गया है पर ये रिलैक्स नहीं है, बहुत टेंशन में है, इधर उधर चहल कदमी कर रहा है, नॉन स्टॉप ये मोबाइल में ही लगा रहा। तो मैं यही सोच रही थी कि फिर लेक पे आने का फ़ायदा ही क्या हुआ, अगर हमने रिलैक्स ही नहीं होना है, अगर हमने मोबाइल पर ही रहना है तो घर में ही ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये एक बहुत मॉडर्न डे का एपिडेमिक हो गया है आजकल के यूथ की, इंटरनेट से एडिक्शन। और बहुत सारी एडिक्शंस हैं, उनमें से ये वाली एडिक्शन ऐसी है कि जिसका फ़िलहाल डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं है। और हमारे लड़के को भी एडिक्शन लगने लग गई थी ऑनलाइन गेम्स खेलने की कुछ टाइम पहले, तो लेकिन हमने बहुत राइट मोमेंट पर एक्ट किया और हमने उसको समझाया, उसकी आँखें भी बहुत रेड रहने लग गई थी, 2-3 आँखों के डॉक्टर के पास गए, कई सारा पैसा बर्बाद किया, बड़े सारे उसके टेस्ट हुए, हमने कोऑपरेट किया, हमने कहा जो जो आँख के डॉक्टर कहते हैं करते रहते हैं, तभी इन जनाब का दिमाग खुलेगा। एंड देन ही रियलाइज़ कि नहीं, अगर ज़रूरत नहीं है तो इंटरनेट नहीं देखना, ना ही फालतू की मूवीज़ देखनी है, ना ही वेब सीरीज़ पर टाइम ख़राब करना है, घर से बाहर चलना है, घूमना है। तो बेटा को जब ये बात समझ आ गई तो हमें बड़ी खुशी हुई और इंटरनेट एडिक्शन से इनको काफ़ी राहत मिली है। अब ये उतनी ही देर बैठते हैं लैपटॉप पे जितना कि इनको ज़रूरी होता है, और बेवजह की वेब सीरीज़ और वो सीरियल्स और जो भी तमाम तरह की इनकी गेम्स होती हैं उनके चक्कर से बाहर आ गए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि बच्चे को समझ आ गई।
आज शहर में जगह जगह लोगों ने आग जलाई हुई थी और सब लोग आग ताप रहे थे क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और शहर में घूमने के बाद हमने शॉपिंग करी, हमें इससे एक मॉल में आए, यहाँ पे तो विंटर की सेल भी थी, कुछ स्वेटर्स खरीदी और कुछ मेंस वियर खरीदे एंड कुछ और ब्लैंकेट्स खरीदे। और फिर शाम को वापस आए तो थोड़ा सा धूप निकल आई थी, हल्की कच्ची सी धूप थी, कोई ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, नाम नाम की धूप थी। और हमारे घर के बाहर ये प्लांट सेलर भैया खड़े हुए थे, इनसे मैं अक्सर प्लांट्स लेती हूँ, बहुत सस्ते दामों में ये मेरे को प्लांट्स दे के जाते हैं। कोई भी प्लांट इनका महंगा नहीं होता है, मैक्सिमम इनका प्लांट होता है 100 रुपीज़ होता है। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख रहे हैं ये 20 रुपये से शुरू होते हैं, 20 रुपये में ये तुलसी भी दे देते हैं, कड़ी पत्ता का प्लांट भी मैंने इनसे लिया हुआ है। और जेड प्लांट आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम नर्सरी से लेते हैं तो हमें 150-200 का मिलता है, लेकिन ये 60 रुपये में देते हैं। और रोज़ेज़ हुए, क्राइजेंथीमम हुआ, डॉग फ्लावर हुआ, बहुत सस्ते में ये दे जाते हैं। और साथ ही मैंने इनसे प्लांट्स लेने के अलावा इनसे कुछ गाइडलाइंस भी ली, तो इन्होंने मुझे बोला कि खाली कंपोस्ट नहीं डालें, इनसे मैंने यूरिया का भी एक पैकेट लिया तो इसका भी उन्होंने मुझे पूरी गाइडलाइंस दी कितना यूरिया डालना है और फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें डालना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो जो भी मैंने इन नर्सरी वाले भैया से सीखा। और पौधे तो मेरे बहुत सारे लेने का मन था पर मेरा बालकनी काफ़ी छोटा है तो मैंने फ़िलहाल इनसे 3 ही प्लांट्स लिए एंड यूरिया लिया। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।